नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के राजभवन में दरबार हॉल का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान स्वर कोकिला लता मंगेशकर को किया याद। अल्मोड़ा में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा कांग्रेस की नीति सब में डालो फूट मिलकर करो लूट। पीएम मोदी बोले जो निराशा फैला रहे हैं वो अल्मोड़ा में आकर देखें। उत्तराखंड के लोगों को डरपोक कहकर अपमान कर रही है कांग्रेस। कासगंज में पीएम मोदी ने परिवार को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। बोले परिवारवादियों ने भरी अपनी तिजोरी, गरीबों की नहीं की चिंता। अमित शाह ने बरेली कांग्रेस सपा और बसपा पर जमकर बोला हमला। कहा माफियाओं को चुन चुनकर सीएम योगी ने किया साफ। अमित शाह बोले भाजपा जात पात देखे बिना करती है विकास। केंद्र ने यूपी के 15 करोड़ गरीबों के लिए भेजी ढेर सारी योजनाएं। गडकरी ने 5 राज्यों में फिर भाजपा की वापसी का जताया भरोसा। बोली योगी ने उत्तर प्रदेश में बहाल किया कानून का राज। बदायूं के बजीरगंज में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा सपा ने बनवाई कब्रिस्तान की बाउंड्री, हम बनवा रहे एक्सप्रेसवे। रामपुर में आजम खां के लिए छलका अखिलेश यादव का दर्द। कहा भैंस चोरी पर जेल, किसानों को कुचलने वाले को बेल। गोवा के मडगांव पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले बेरोजगारी जैसे मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रहे प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी ने यूपी की 70 विधानसभाओं में की वर्चुअल रैली। बोली बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा मुख्य समस्याएं। यूपी चुनाव में बसपा ने 9 उम्मीदवारों की नई सूची की जारी। नौतनवा से अमन मणि त्रिपाठी को दिया टिकट। यूपी में आम आदमी पार्टी ने जारी की 12 उम्मीदवारों की सूची। अतरौलिया से रमेश कुमार पांडे को बनाया गया प्रत्याशी। पणजी पहुंचे केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा दोनों पार्टियों ने मिलकर गोवा को लूटा, नहीं किया कोई काम। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। कहा कर्नाटक हाई कोर्ट कर रहा है सुनवाई, ना बनाए राष्ट्रीय मुद्दा। कर्नाटक हिजाब विवाद पर खड़गे ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा बीजेपी चाहती है चुनावों में फायदा, इसलिए हो रहा है बवाल। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर ओबीसी ने दिया बयान। कहा अगर मुस्कान जैसी लड़कियां खतरे में हैं तो मैं क्या करूंगा सिकोटी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा रोजगार जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उछाला हिजाब मुद्दा। 6 मुस्लिम लड़कियों के परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। का सोशल मीडिया पर शेयर किए गए युवतियों के फोन नंबर। मालेगांव में महिलाओं ने की हिजाब दिवस मनाने की कोशिश। 4 आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज, धारा 144 लागू। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्र को रिहाई का इंतजार। जमानत मंजूर होने के बाद भी फंसा तकनीकी पेंच। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को बताया रिमोट कंट्रोल से संचालित पार्टी। बोली कांग्रेस का राहुकाल और भाजपा का चल रहा है अमृतकाल। मंत्री ने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स को बताया सरकार का अधिकार। बोली विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा करेंसी पर प्रतिबंध का फैसला। राज्यसभा की कार्यवाही आगामी 14 मार्च तक के लिए स्थगित। उच्च सदन में बजट सत्र का पहला चरण हुआ संपन्न। संसद के कामकाज पर सोनिया ने तय की कांग्रेस की गाइडलाइन। अधीर रंजन को दी सीख का, दूसरे को भी दें बोलने का मौका। दिल्ली कोलकाता समेत कई शहरों में एयरटेल की सेवाएं ठप। ब्रॉडबैंड से लेकर मोबाइल नेट तक बंद, यूजर परेशान। बिहार सरकार ने सभी डीएम से मांगी मंदिरों की जानकारी। घर में मंदिर है तो भरना पड़ सकता है 4% टैक्स। एनसीबी ने बहुत बड़े पैन इंडिया ड्रग्स सिंडिकेट का किया खुलासा। अलग अलग राज्यों में कार्रवाई कर 22 आरोपियों को दबोचा। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने की बनाई योजना। हजारों करोड़ की लागत से बनाई जाएंगी 1305 किलोमीटर सड़कें। जयपुर में 20 मिनट में लूटे 11 लाख रुपए और 2 किलो सोना। पूर्व पार्षद की बहू पोती को बंधक बनाकर की वारदात। हाईकोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र सुपरमार्केट स्टोर में शराब बिक्री का मामला। अदालत में सरकार ने वॉक इन स्टोर के फैसले को भी दी चुनौती। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कई मुद्दों पर बनी सहमति। सभी देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में काम करने का लिया संकल्प। 12 फरवरी को फ्रेमवर्क डायलॉग की सह अध्यक्षता करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया। जयशंकर बोले भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी में रक्षा और सुरक्षा प्रमुख स्तंभ। नाव की लापता दलित किशोरी का करीब 2 महीने बाद मिला शव। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे फतेह बहादुर के बेटे पर लगा आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टूटी हुई गर्दन और सिर पर चोट का हुआ खुलासा। गला दबाने से गई थी जान, पीड़िता के साथ हुई हैवानियत आई सामने। पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने साथी के साथ मिलकर रची थी पूरी साजिश। गिरफ्तार हुए आरोपी के दोस्त ने पुलिस की जांच में उगला सच। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्नाव कांड को लेकर सपा पर साधा निशाना। बोली दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे सरकार। पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। बोले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित रहा उपाध्याय का जीवन। जम्मू कश्मीर में ड्रोन संचालकों के लिए अनिवार्य किया गया पंजीकरण। मानव रहित विमान प्रणाली खरीदने या रखने का थाने में देना होगा विवरण।
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दावा, बोले महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण न होने से योजना में हो रही है देरी। अयन चंद्रशेखरन 5 साल के लिए फिर से बने टाटा संस के चेयरमैन, निदेशक मंडल ने की चंद्रशेखरन की पुनः नियुक्ति की पुष्टि। गुरुग्राम में रिहायशी इमारत का एक हिस्सा ढहने से 2 लोगों की गई जान, कई लोग घायल, पुलिस ने बिल्डर और ठेकेदार पर दर्ज किया मुकदमा। पी चिदम्बरम ने भाजपा पर लगाया इतिहास को विकृत करने का आरोप, बोले नेहरू ने गोवा में सही समय पर दखल देकर कराया था आजाद। नक्सलियों को पकड़ने गए 2 जवान आईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल, झारखंड के लोहरदगा के नक्सल प्रभावित बुलबुल इलाके में हुआ हादसा। महबूबा मुफ्ती ने आशीष मिश्रा की जमानत पर कसा तंज, बोली सच बोलने वाले जेल में हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायकों ने फिर की नारेबाजी, रीट परीक्षा धांधली मामले में की सीबीआई जांच की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सामान्य नागरिक संहिता को बताया समय की मांग, बोले प्रांत और धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का किया जा रहा है काम। 14 फरवरी को कानपुर देहात में पीएम मोदी करेंगे रैली, एडीजी कानपुर जोन ने सभा स्थल का जायजा लेकर परखी तैयारियां। नूरपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी हाजी जियाउद्दीन का वीडियो वायरल, दलित वोटों को खरीदने के लिए दिए लाखों रुपए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत ने पहले चुनी बैटिंग, 265 रन के स्कोर पर ऑल आउट हुई टीम इंडिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।